हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट लेसन 11th, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्टैंडर्ड 9th. सब्जेक्ट इज अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो टुडे इज पार्ट सेकंड ऑफ इट. सो टॉपिक इज ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रे. अब रिफ्लेक्टेड रेस ड्रॉ कैसे करने हैं उसकी आज हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे. सो सपोज एक सरफेस होगा, जैसे कि सपोज ये है प्लेन मिरर और ये है कोई एक आधा ऑब्जेक्ट होगा और ये है उसकी इंसिडेंट रे. ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे. अब इंसिडेंट रे जहाँ पर मीट होती है मिरर को, वो मिरर पर हमें 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए परपेंडिकुलर. जितना ये एंगल होगा वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है उतना ही एंगल लेकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ड्रॉ करना होगा और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. और ये हो गया एंगल आर, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है प्लेन मिरर को. उसके साथ ही ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल रहेगी स्फेरिकल मिरर को भी. स्फेरिकल मिरर भी इससे कोई छूटा नहीं है. यानी बोलने का मेरा मीनिंग इतना ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना रहेगा नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के साथ, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको लेना होगा. जैसे कि अब मैं एक मिरर ड्रॉ करता हूँ तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब एक सोर्स होगा लाइट का, सपोज ये लाइट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है तो ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, समझो नॉर्मल के साथ 5 डिग्री के आसपास ये एंगल दिख रहा है थोड़ा सा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करके ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. सो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. बस यही है लॉ कि इस तरह से आप रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो यही बताया गया है हमें कि रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कैसी करनी है. सो दिस इज द प्रॉपर वे. सो देर आर 3 रूल्स रिगार्डिंग टू दिस फिनोमिना. ये प्रॉपर्टी को रिगार्डिंग 3 रूल्स देकर है. इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अगर कोई इंसिडेंट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस को, यह है प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है वो है प्रिंसिपल एक्सिस. तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल रह रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस को सो वो फोकस में से ही जाएगी क्योंकि ये हो गया 90 डिग्री का नॉर्मल और इसने जितना एंगल बनाया उतना ये एंगल बनाएगा. सो इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस ऑफ दैट मिरर. सेकंड इसका उल्टा रहेगा. इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही होगी सो देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल रहेगी. और थर्ड है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही जाएगी रिटर्न. इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक. सो ये है इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही जाएगी. ओके, तो ये 3 रूल्स आपको अगर याद रख लिए अगर आपने तो आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि लेसन ये जो 9th का है वो 10th में भी है. सिर्फ यहाँ पर मिरर है, वहाँ पर लेंस है तो वो यूजफुली रहेगा. ये लेसन आपको बेनिफिशियल है किसके लिए, 10th के लिए. सो देन है इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं सो उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल देकर है कि कार्डबोर्ड शीट लेनी चाहिए जिसको पेपर से आप कवर कर दो, फिर वहाँ पर एक कैंडल ले लो और वहाँ पर एरो शेप की स्लिट, यानी स्लिट मतलब पट्टी, एक एरो शेप की कट कर लो. सो अपने को वैसा शेप मिलेगा लाइट सोर्स का. एक स्क्रीन ले लो पेपर की, वही कार्डबोर्ड बॉक्स पर वाइट कलर की, और वर्टिकली वुडन ब्लॉक पर फिक्स कर दो और मिरर वहाँ पे आपको फिक्स कर देना है. और जैसे जैसे आप वो मिरर को एडजस्ट करोगे, जैसे जैसे आप वो मिरर को एडजस्ट करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर इमेज मिलती जाएगी. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि ओरिजिनल कैंडल की पिक्चर यहाँ पर दिख रही है ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई फिल्म चल रही है. सो ये तो कैंडल की बात हो गई. आप बाहर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो और ट्री वगैरह आपको बिल्डिंग्स ये दिख सकते हैं जो बाहर पिक्चर होगा वो. तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें बताना क्या है, ये भी जरूरी है ना, क्या एक्सपेरिमेंट से हमें देखना क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना क्या है. सो व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट हेयर एवर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं सो ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा कि ये जो 3 लॉज मैंने आपको अभी जो बताए थे ये वाले लॉज, ठीक है, ये लॉज को वो फॉलो करेगा. जैसे कि एग्जांपल के हिसाब में हम एक ड्राइंग देखते हैं.
जैसे मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ये है फोकस, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जिसको पी ए हम लिखेंगे। सपोज यहां पर कैंडल थी, कैंडल लेंगे ए बी। अब ये कैंडल में से रेज निकलेंगे, ठीक है, तो ये वर्टिकली प्लेस कर दिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब इसके जो रेज है, सपोज एक लाइट रे पैरेलल जाती है तो ये होगी इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएंगी, फोकस से। दूसरी रे सपोज फोकस में से अगर जा रही होगी तो रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी, और जहाँ से दो पॉइंट निकले वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो जहाँ पे दो पॉइंट मिले वहाँ पर क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी, ये होगी ए डैश बी डैश। आई बात समझ में आ रही। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ऑब्जेक्ट की रेज निकली और यहाँ पर मिली, ए बी ऐसा वर्टिकली एक कैंडल प्लेस की थी मैंने, बट उसकी इमेज कैसी मिली, बी ए, तो इमेज का नेचर है इन्वर्टेड। इमेज सेम साइज की जैसी ही दिख रही है, इसलिए सेम साइज की इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज मिली। और दूसरी बात है कि रियल रेज ओरिजिनल लाइट रे यहां पर गई और ओरिजिनल लाइट रे ही वापस आई है, तो इसलिए यह है रियल इमेज। और जो भी रियल इमेज मिलती है, अब रियल इमेज और रियल इमेज का अपोजिट क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज मतलब नकली, रियल मतलब असली। अब असली का उल्टा नकली होता है, ये तो आपको पता ही है, रियल का उल्टा वर्चुअल। रियल का मतलब है ऐसी इमेज जो आप पिक्चर उसकी कोई पेज पर बोलो या कोई स्क्रीन पर आप ऑब्टेन कर सकते हो, मिला सकते हो, तो उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। अरे बात समझ में आ रही आपको, कि रियल इमेज मतलब जिसकी इमेज हम कहीं पर भी ला सकते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर देना होगा तो क्या देंगे हम, प्रोजेक्टर, सिनेमा थिएटर का हॉल। दूसरा वो कुछ वॉचेस आते हैं, वो वॉचेस का हमने बटन दबाया तो आगे वॉल पर पिक्चर आती है, तो ये एग्जांपल किसके है, रियल इमेज के। और वर्चुअल इमेज जैसे कि मिरर, मिरर में हम अपनी खुद की इमेज देख सकते हैं बट वो इमेज हम पेज पर लाकर नहीं बता सकते, है ना, तो वो है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आगे भी मैं समझाऊंगा। तो रियल इमेज मतलब अब ओरिजिनल लाइट रे निकली है और ओरिजिनल लाइट रे ही मीट हो रही है, मिल रही है, तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और सेम साइज मतलब वो जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की उसकी इमेज होगी। तो ये प्रॉपर्टी है अलग अलग जगह पर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो। अब यही टेक्निक मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखता हूँ, मैं फिर से एक मिरर ड्रॉ करूंगा, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं रखूंगा यहां पर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ। तो लाइट रे पैरेलल फोकस में से गई, लाइट रे फोकस में से गई तो फिर पैरेलल होगी। अब यहाँ पर देखो इमेज मिल चुकी है अपने को, तो ये रहेगी ए डैश बी डैश। अब उल्टा नाम क्यों दिया, क्योंकि एरो देखो कहाँ पर था, ए से निकले दो लाइट रे तो ए पर ही मिलेंगे ना, इसलिए बी डैश ए डैश, तो उल्टी इमेज है तो इन्वर्टेड, ठीक है। अब उल्टी इमेज मिल गई तो इन्वर्टेड। उसके बाद साइज थोड़ी सी बिगर दिख रही है क्या, हाँ, तो बिगर और लार्जर भी बोल सकते हो, और मैग्नीफाइड, लार्जर या तो मैग्नीफाइड, तीनों में से जो नाम आपको पसंद होगा वो लिख सकते हो। और दूसरी बात है रियल इमेज मिल रही है, सो रियल इमेज, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ता है। अब देखो मिरर भी वही था, ऑब्जेक्ट भी वही था, बट इमेज की जैसा आपने ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज कर दी वैसे ही इमेज की भी पोजिशन चेंज हो गई। आ रही ना बात समझ में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस करा है आपने वैसे ही इमेज भी वैसी ही बिहेव करेगी। तो वही प्रॉपर्टी देकर है कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर की हमको टेबल देकर है कि आप इतने पोजीशन है, ये पोजीशन पर आपने अगर ऑब्जेक्ट रखे और ये टेबल अगर आपने अच्छे से अभी ध्यान में आके आ गया होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको बस इतना करना है, ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क है कि ये जगह पर ये जितने भी सिक्स के सिक्स अलग अलग प्लेसेस बता करे वहाँ पर आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट रखो और ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज मिलती जाएगी, और वो इमेज की अगर आपने नेचर देखने को गए तो नेचर और साइज आपको समझ में आ जाएगा। सो पोल और फोकस इसके बीच में आपने रखे तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलेगी। उसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आप इमेज रखते हो, ये दूसरा तो नहीं बताया मैंने, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रखते हो तो इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड मिलेगी। देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, तो इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड इमेज हमको मिल गई है, ठीक है नहीं। तो ये उसमें का तो एक मैंने आपको बता ही दिया एक्सप्लेन करके। तो एक कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि इमेज इस टाइप के हिसाब से उसमें फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी है,
तो यह रहा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सपोज हम एक आधा ऑब्जेक्ट रख के प्लेस कर रख के हम देखते हैं, सो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का पोल, ये फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, जिसको नाम दे देंगे हम ए बी। तो चलो लाइट रे पैरेलल ड्रॉ करते हैं। लाइट रे पैरेलल जो होगी, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी पासेस फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। तो ये लाइट रे फोकस में से जाएंगी, ठीक है, तो ये लाइट रे जा रही है फोकस में से। अब एक बात आप नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे डॉट डॉट क्यों निकाला होगा, डॉट डॉट यहाँ पे क्यों निकाला होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन मैंने क्यों नहीं ड्रॉ की होगी, क्योंकि ये जो लाइट रे है ये एक्चुअल थोड़ी जाएंगी यहाँ पर, लाइट रे एक्चुअल तो यहाँ पर जाएंगी, आ रही ना बात समझ में, ये सिर्फ क्या है उसकी शैडो, उसकी इमेजिनरी लाइन। दूसरा, लाइट रे अगर फोकस से जाती है तो लाइट रे चलो फोकस में से ड्रॉ करते हैं, यहां तक तो लाइट रे आ गई, इसके बाद ये फोकस से चली गई। तो ये लाइट रे ओरिजिनल तो इधर जा रही थी, हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन करा और फोकस पर वो एडजस्ट हो गई, यानी पॉइंट इमेज मिल रही है हमको। सो यहां पर क्या इमेज मिल गई, पॉइंट इमेज। ये इमेज कौन सी है, सिर्फ पॉइंट इमेज। दूसरी बात, अब वर्टिकल है क्या इरेक्ट है ये तो हम अभी बता नहीं सकते, क्योंकि ये इमेज है, बट हम ये बता सकते हैं कि ये लाइट रे ओरिजिनल नहीं थी, तो ये लाइट रे कौन सी थी, वर्चुअल, इसलिए जो इमेज भी मिली वो कौन सी मिली हमको, वर्चुअल। तो ये फर्क है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। ओरिजिनल लाइट रे अगर पास हो रही होंगी तो उसको आप रियल इमेज बोलना है, और अगर ओरिजिनल लाइट रे पास नहीं हो रही तो उसको डॉट डॉट में तो बताना ही है, साथ में ही उसको वर्चुअल इमेज भी आपको बताना है। वही मुझे बताना था आपको कि कॉन्वेक्स मिरर के आगे आप कैसे भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखो, उसकी इमेज आपको वर्चुअल मिलेगी, स्मॉलर मिलेगी ऑब्जेक्ट से, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही उसकी इमेज मिलेगी। तो इसके लिए एक ही रीज़न है बस, इसके लिए कॉन्केव मिरर के लिए 6 हमारे पोजीशन है। उसके बाद है डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट। तो जो मिरर अभी हमने देखे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो उस पर से तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि एग्जांपल दोनों भी मिरर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये है कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर सपोज लाइट रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या फॉलो करेंगे, वो 90 डिग्री के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने जो बताया था, तो ये रिफ्लेक्ट होंगे और ये यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर मिलने के बाद जहाँ पर वो मिलते हैं उसको बोलते हैं फोकस, इसलिए मैंने पार्ट वन में बताया था आपको कि मैं फोकस पार्ट टू में भी आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। ये है वो फोकस, ये जो लाइट रे है ये एक जगह पर जब आ रहे हैं तो इसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस का मतलब क्या है, एकत्र यानी एक साथ, यानी एक साथ आना, और इसलिए कॉन्केव मिरर को मिरर ऑफ कॉन्वर्जेंस या तो कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। दूसरी बात, आपने ध्यान में रखे होंगे, आप बचपन में हम खेलते भी है कि मिरर लेते हैं और मिरर को एक पेज पे जो सन की रेज है वो सन की रेज पेज के कॉर्नर पे लाते हैं और पेज को जलाते हैं, तो इसका मतलब आप कर क्या रहे हो पता है क्या, आप कर रहे हो कॉन्वर्जिंग, जो फोकस है उसको एडजस्ट कर रहे हो, और वहां पर पूरी सनलाइट एक जगह आ जाती है और वहां पर कागज जब आ गया, पेपर जब आ गया तो वो जल जाता है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्केव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर। उसके बाद यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया है मैंने, कॉन्वेक्स मिरर पर भी चलो लाइट रेस पड़ रही है, पर कॉन्वेक्स मिरर का शेप ही ऐसा है कि ये लाइट रे दूर चले जाएंगी, ओके, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज मतलब दूर जाना, फैल जाना, पसर जाना, तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है क्योंकि उसकी लाइट रे क्या हो रही है, दूर भाग रही है, और ये एक जगह आ रही थी, ठीक है, तो इसको कॉन्वर्जिंग और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसलिए अगर कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन आप ड्रॉ करो तो इसका फोकस कहाँ मिलेगा हमको, बिहाइंड द मिरर, ये यहाँ पे फोकस मिल गया, और रियल नहीं मिलेगा, वर्चुअल ही मिलेगा, ओके। तो ये था कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। सो कॉन्केव मिरर को मिरर ऑफ कॉन्वर्जिंग बोलते हैं, फोकस मिरर भी बोलते हैं क्योंकि वो फोकस लाता है। तो बाद में है हाउ विल यू फाइंड आउट मिरर इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स, मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है कथा पता चलेगा, तो ये यूज ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आ जाएगा। तो लाइट रे कॉन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज हो रही है ये समझ के भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर ये बार्बर शॉप में, डेंटल हॉस्पिटल में हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में अगर आपने एडजस्ट कर दिया
तो आपको इरेक्ट वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, इसलिए बार्बर शॉप में, डेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पे डिटेलिंग चाहिए हमको, वहाँ पर कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। टॉर्च में हेडलैम्प्स व्हीकल्स के, उसमें भी हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि फोकस पर अगर लाइट को एडजस्ट कर दिया तो पैरेलल बीम लाइट की फ्रंट में जाएगी और बड़ा एक ब्राइट बीम हमको मिलेंगी। फ्लड लाइट्स में भी, जो समुंदर में, जो बड़ी बड़ी नदियों में बीच में लाइट्स लगे वाले रहते हैं, जब फ्लड आया तो वो लाइट चमकते हैं, तो वो सिग्नल आजू बाजू के गांव में बहुत दूर दूर तक पता चलना चाहिए, इसलिए ब्राइट बीम की जरूरत रहती है। सो द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे वो सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, तो बड़ी के बड़ी बीम एक मिलती है। फिर वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी पर जो वर्क करते हैं वो इक्विपमेंट में क्या चाहिए, कॉन्केव मिरर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कॉन्वर्ज होनी चाहिए, एक जगह पर आनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ करेंगे हम, मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ कार्स आर कॉन्वेक्स मिरर, कार के, बाइसिकल के, मोटरसाइकिल के जो साइड के मिरर्स रहते हैं वो सब कॉन्वेक्स मिरर है। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर फिटेड एट द गेट इन अ स्क्वायर, जो बड़े बड़े चौक रहते हैं, या तो जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे बहुत शार्प टर्निंग होती है, तो आगे वाले पर्सन को दिखना चाहिए, इसलिए भी कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। जैसे कि ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया रोड, तो यहाँ पर कोई व्हीकल होंगी तो ये व्हीकल को यहाँ पे आने वाली व्हीकल दिख जाएगी और ये व्हीकल को यहाँ पर आने वाली व्हीकल दिख जाएगी। उसके बाद है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक रूल है कि रे डायग्राम निकालने के पहले कुछ रूल फॉलो करना है, और रे डायग्राम निकालते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दिया गया है। सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, ये पहला रूल है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी आपको डिस्टेंस काउंट करना है तो वो पोल ऑफ मिरर से ही काउंट करना होगा। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड टूवर्ड द राइट ऑफ द पोल आर टेकन टू द पॉजिटिव, मिरर के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव ही लेना होगा। यानी यहाँ पर क्या फॉर्म होती है, कॉन्केव मिरर अगर लिए तो, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर अगर लिए तो इमेज, तो इमेज कहाँ पर क्रिएट होंगी, पॉजिटिव साइड, और मिरर के लेफ्ट साइड निगेटिव लेना होगा। अपर साइड मिरर की वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव लेना होगा और लोअर साइड हमेशा निगेटिव लेना होगा, ये सब प्रिंसिपल है। और फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की ऑलवेज निगेटिव है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव है। अब निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये तो आपको कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में बताया मैंने कि ये मिरर के राइट लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी मिरर के लेफ्ट साइड में निगेटिव लेते हैं, इसलिए फोकल लेंथ कॉन्केव की हमेशा निगेटिव होगी। और फोकस और पोल, इसका जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा, ये अपने को स्टैंडर्ड 10th में भी है। उसके बाद है मिरर फॉर्मूला, क्या फोकल लेंथ अगर निकालनी होगी आपको, कोई मिरर देकर है और उसकी फोकल लेंथ अगर पूछी, तो 1/f = 1/v + 1/u, जहां पर v है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। सो 1/v + 1/u = 1/f, ये भी याद रखना है। और उसके बाद है मैग्निफिकेशन ड्यू टू द स्फेरिकल मिरर, के इमेज जो क्रिएट होने वाली है वो कितनी बिगर होगी। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज दैट इज h2 एंड हाइट ऑफ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h1। सो m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, और इसको ये भी बता सकते हैं हम, m इज इक्वल्स टू -v/u, और v और u तो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको निगेटिव साइन लेकर। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है सॉल्व एग्जांपल, तो सॉल्व एग्जांपल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि जरा ज़्यादा ही वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है, एक्सरसाइज आपको होमवर्क रहेगा। अच्छी तरह से ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ये वीडियो को अच्छी तरह से देखकर आप समझ लो, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी स्टडी भी हो जाएगी, और ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है, यही मेरी विश है आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।